मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ में एमपी में 12th में जो टॉप किया है, मध्य प्रदेश में जो थर्ड पोजीशन हासिल की है, वो हमारे साथ में फाल्गुनी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये टॉप पोजीशन, मतलब टॉप थर्ड में आके बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था कि थर्ड पोजीशन मिलेगी? नहीं, मतलब सोचा तो नहीं था, मेरिट का सोचा था, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, पर आ गई, मतलब बहुत खुशी हो रही मुझे। कितने घंटे की मेहनत है? 4-5 घंटे, ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने, ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, बस 4-5 घंटे रोज पढ़ती थी ताकि मतलब ये जो रिजल्ट है वो आ पाए। अच्छा, क्या पहले से कोई गोल सेट था कि नहीं अपने को तो एमपी में टॉप आना ही है किसी भी हालत में? पहले से ही मैंने सोच के रखा था कि मतलब मुझे इस साल मेरिट लानी है, क्योंकि मेरे सारे टीचर्स ने भी मेरे प्रीवियस परफॉर्मेंस को देख के बोला था कि इस साल मेरिट आनी चाहिए, तो मैंने ये सोच के रखा था कि इस साल मेरी मेरिट आनी चाहिए, तो मैंने और ज़्यादा मेहनत करी मतलब ये हासिल करने के लिए। जो अभी के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेम्स और मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या आप भी इसी तरीके से उसमें थे या उसका त्याग किया था सोशल मीडिया इन सबका? नहीं, त्याग नहीं किया था, पर एग्ज़ाम टाइम पे अपना जो स्क्रीन टाइम होता है वो थोड़ा सा कम कर दिया था ताकि मतलब एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। अच्छा, क्या क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं कि वो भी मोबाइल से दूरी बना के टॉप आ सके? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर दो, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करो, बस यही बोलना चाहूँगी। पहला रिएक्शन क्या था जैसे ही फर्स्ट पता चला कि थर्ड पोजीशन मिली? मैं शॉक हो गई थी, मैं सरप्राइज भी हो गई थी, मैं शॉक भी हो गई थी, और मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आ गए, मतलब उम्मीद भी थी पर एक सेकंड के लिए सरप्राइज हो गई थी कि वाओ मतलब मेरे के साथ। फिर मैं चेक करी थी, फिर बताया सबको, फिर सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे। पहले गुरु अभी आपके साथ में है, मदर फादर, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो लोग भी बहुत खुश है, मतलब वो भी इतना प्राउड फील कर रहे हैं, मतलब मुझे यही चाहिए था कि बस उनको प्राउड फील करा पाऊँ, और ये जो आज जो मतलब मिला है सेलिब्रिटी टाइप वाला ट्रीटमेंट वो उनको मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके पिताजी से भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उनका कहना था कि हम बोलते थे फाल्गुनी को कि भैया थोड़ा सा समय निकालो, खेलो, बाहर निकलो घर से, किताबी कीड़ा मत बनो, पढ़ते मत रहो, पढ़ने के साथ में थोड़ा सा बाहर भी समय दो। हाँ पापा ऐसा मेरे को भी बोलते हैं कि मतलब पूरे नहीं पढ़ता हूँ, तो पापा ने मेरे को कभी प्रेशराइज नहीं किया कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, इनफैक्ट उन्होंने मुझे कभी बोला ही नहीं कि पढ़ाई करो, मतलब मैं खुद ही पढ़ाई कर लेती थी, उनका कोई ऐसा मुझ पर प्रेशर नहीं था कि पढ़ाई को लेके, कि बस उनको मुझसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थे कि मतलब मैं कर सकती हूँ, इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे थोड़ी ज़्यादा है। आगे का गोल क्या है, आगे क्या करेगी फाल्गुनी? आगे मैं UPSC एग्ज़ाम दे के मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। उसके लिए कुछ गोल सेट करके रखा कि इतने घंटे तो पढ़ना है और अभी से उसकी तैयारी स्टार्ट करी हो? हाँ, अभी से मतलब मैं 6th से जो 12th तक की NCERT बुक्स होती है हिस्ट्री, मतलब उनको अभी से पढ़ना स्टार्ट करूँगी ताकि वो मुझे आगे मतलब हेल्प कर पाए। अच्छा, आखिरी के दो सवाल, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा था और बोरिंग किस में लगता था? बोरिंग तो ऐसे कोई से भी सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मतलब जिस तरीके से पढ़ाया जाता था वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग थे। अकाउंट्स ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि अकाउंट्स मुझे प्रैक्टिकल होते थे, वो सॉल्व करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, ज़्यादा मज़ा आते थे अकाउंट्स के सम सॉल्व करने में। कितने नंबर आए अकाउंट में? अभी रिजल्ट मैंने चेक कर लिया, बस इतने चेक कर लिया, नंबर अभी तक मैंने चेक नहीं करे, मतलब 95 के ऊपर ही है अकाउंट्स में, बस इतना पता है। अच्छा, अभी हमारे साथ में उनकी मदर भी है, कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इसने टॉप। आपके चेहरे की हंसी सब बयां कर रही है वैसे तो। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि टॉप कर दिया इसने। छोटी बेटी भी है, क्या कहना, जो क्या कहोगे उसे, क्या संदेश दोगे? नहीं, अच्छी छोटी से अच्छी है, पढ़ाई का बोलना नहीं पड़ता इसको, इसको बार बार बोलना पड़ता है पढ़ाई का, इसको हमने कभी बोला ही नहीं कि पढ़ाई करो, मतलब मन से बैठ जाती है पढ़ाई करने, कभी बोला ही नहीं उसको हमने। जैसे ही पता चला कि बेटी ने MP में थर्ड रैंक हासिल करी है, क्या लगा, किसको याद किया सबसे पहले आपने? इसलिए स्कूल वाले एक्चुअली मम्मी को इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन मम्मी को आगे जब पता चला कि इधर की मतलब वो MP में आया, तो मम्मी बहुत खुश हो गई, मतलब यहाँ का इन्वॉल्वमेंट देख के, मतलब जो ऐसा सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था वो देख के हमें बहुत खुश हो गई। तो फिर अचानक ये हो गया ना, मम्मी को इतना पता नहीं था, लेकिन मम्मी भी बहुत खुश है, पापा भी बहुत खुश है। तो ये थी हमारे साथ में फाल्गुनी, जिसने MP में थर्ड रैंक हासिल की है, और इसी तरीके से फाल्गुनी से कुछ और भी हमारे जो दर्शक है, जो बच्चे हैं, वो सीखे और आगे बढ़े। थैंक यू।